नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल फूक चुका है। वहीं चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अब तक कई सारे अपडेट भी जारी कर दिए हैं। इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग इस कोशिश में भी जुट गया है कि पंचायत चुनाव का आयोजन निष्पक्ष तरीके से हो और किसी भी तरीके की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही ना बचे। इसी क्रम में पंचायत चुनाव में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए खास पहल की जा रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार की बैंगलोर स्थित बायोमेट्रिक संबंधी काम करने वाली ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को बायोमेट्रिक संबंधी कार्य करने वाली ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी बायोमेट्रिक यानी कि अंगूठे के निशान के जरिए आधार पर वोटर के फोटो पहचान पत्र से फोटो का मिलान करने की तैयारी कर रही है। यकीनन राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से किए गए इस पहल से मतदाताओं के अंगूठे के निशान लेने के बाद बोगस वोटिंग पर रोक लगाने में बड़ी मदद मिलेगी। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सामने बायोमेट्रिक संबंधित प्रेजेंटेशन BCIL की तरफ से किया जा चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग को इससे बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन पर हर बूथ के अंदर लगभग 2500 रुपए का खर्च आएगा, यानी थंब इम्प्रेशन पर ही 30 करोड़ से ज्यादा खर्च आने का अनुमान है। इसके साथ ही पिछली गलतियों से सीख लेते हुए मौके की नजाकत को समझते हुए राज्य निर्वाचन आयोग तेजी से पंचायत चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को तेज गति से कर रहा है, जिसके तहत ही पिछली भूल को सुधारते हुए इस बार सबसे पहले EVM के मुद्दे को सुलझाया गया है और सबसे पहले अन्य राज्यों से EVM को बिहार में विभिन्न जिलों में लाने का काम किया गया है। वहीं अब इसके टेस्टिंग का काम किया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार आए EVM के फर्स्ट लेवल जांच का काम 20 अगस्त तक पूरा कर लिया जाना है। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के DM को EVM की फर्स्ट लेवल जांच कराने का निर्देश जारी करने के लिए कह दिया है, जिसके बाद ही अब EVM निर्माता कंपनियों की इंजीनियर आयोग के दिशा निर्देश पर जिलों में जाकर इसकी जांच करेंगे। उनकी तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद ही जांच किए गए EVM का इस्तेमाल पंचायत चुनाव में किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की माने तो संबंधित निर्माता कंपनियों के इंजीनियर आयोग के दिशा निर्देश पर यह जांच करेंगे कि EVM में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के वर्तमान माहौल के बीच पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव के तर्ज पर करवाने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत ऐसा पहली बार होगा जब बिहार में पंचायत चुनाव में EVM का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले बैलेट पेपर के इस्तेमाल से चुनाव का आयोजन करवाया जाता था, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में EVM का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पंचायत चुनाव में गड़बड़ी की सारी आशंका तो दूर होगी ही, साथ ही निर्बाध तरीके से पंचायत चुनाव का आयोजन भी करवाया जा सकेगा। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की यही कोशिश है कि बिहार पंचायत चुनाव में शामिल होने वाली सभी वोटर कोरोना नियमों का पालन करें, ताकि चुनाव के समय कोरोना संक्रमण जैसी शिकायतें सामने न आए और चुनाव आयोजन भी सही तरीके से हो सके। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।